टाइगर जयराम महतो की रिहाई को लेकर स्टूडेंट ने कांड्रा में किया सड़क जाम, टायर जलाकर कर रहे हैं प्रदर्शन। टाइगर जयराम महतो की रिहाई को लेकर सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट कर रहे हैं सड़क जाम, जिससे सैकड़ों छोटे छोटे वाहन इस जाम में फंस गए। वहीं स्थानीय पुलिस ने लोगों से जाम खोलने की अपील की, लेकिन कोई भी टस से मस नहीं हुआ। वहीं लोगों ने हेमंत सोरेन का पुतला दहन करते हुए चारों तरफ टायर चलाकर सड़क को दोनों ओर बाधित कर दिया। आपको बताते चले कि गुरुवार को रांची में नियोजन नीति के विरोध में विधानसभा घेराव करने पहुंचे छात्र पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। जवाबी कार्रवाई करते हुए छात्रों ने भी पुलिस पर पथराव किया था, जिसके बाद छात्र नेता टाइगर जयराम महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि छात्र 60-40 के नियोजन नीति को लेकर विरोध जता रहे हैं। इसी कड़ी में छात्र गुरुवार को विधानसभा घेराव करने जुटे थे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस पर छात्र आक्रोशित हो उठे, जहां छात्रों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। इसके जवाब में छात्रों ने भी पुलिस पर पत्थर बरसाए। फिलहाल सड़क जाम पर बैठे छात्रों से पुलिस जाम हटाने की अपील कर रही है। समाचार लिखे जाने तक जाम की स्थिति बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट सुनापुर लाइव। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। हक दो, हक दो, हक दो। स्टूडेंट को अपना हक दो, हक दो, हक दो। 60-40 न चल दो, चल दो, चल दो। देख रहे हैं आप लोग इतना सारा भीड़। आज हम लोग काम धंधा ड्यूटी सारा चीज छोड़ के बहुत दुख के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आज अचानक हम सभी लोगों को लगभग 1:30 से 2 बजे पता चला कि हमारा आंदोलनकारी आज उभरता हुआ सूरज, जिस प्रकार आज जितना भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा 2 साल 3 साल 5 साल से कि सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन आज सरकारी नौकरी के लिए आज सरकार 3 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक कोई नीति नहीं बना है और कोई सरकारी पोस्ट यानी कोई वैकेंसी भी नहीं निकाल रहा है। और आज सरकार खुलेआम सभी को पूरा मीडिया के माध्यम से बोल रहा है कि 60 और 40, यानी 60-40 का मतलब झारखंड का लोग 60% काम करेगा और बाहर का लोग 40% घुसेगा। आज धीरे धीरे झारखंड ऑलरेडी खोखला होते जा रहा है और आने वाला दिन खोखला होते जाएगा, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर यही सिलसिला चला, आज जयराम महतो को पुलिस लेके डरा रहा है, लोगों को ये समझा रहा है कि हम उसको जेल में कैद कर देंगे तो लोग आंदोलन नहीं करेगा, वो मेन मुद्दा है लोगों का डर घुसाने का। लेकिन आज जयराम का जैसा देख सकते आप लोग, हजारों लोग तैयार है आंदोलन, डर नहीं रहेगा अभी, झारखंडी जग ये आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक जयराम छूटेगा नहीं, ये शुरुआत है। अगर नहीं जयराम महतो को छोड़ता है तो गांव गांव से पूरा झारखंड से एक एक गांव से हम लोग रांची पहुंचेंगे, चाहे जितना भी दिन लगेगा उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे और ये जुटान लगातार रहेगा। थैंक यू। झारखंड नहीं रहा। 60-40 का हमारे छात्र विरोध कर रहे थे संवैधानिक तरीके से, और उनको लाठी डंडा मार के उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो यही बहुत ही गलत नीति है। यहाँ के स्थानीय सरकार और यहाँ के स्थानीय प्रशासन को हम यही बोलना चाहते हैं कि आज हम लोग क्या इस झारखंड अपना राज, हम लोग जो बोलते हैं अबुआ दिसू अबुआ राज, यहाँ हम लोग विरोध भी नहीं कर सकते क्या अपना संवैधानिक तरीके से? आज अपने हक अधिकार के लिए आज यहाँ कहीं ना कहीं 21 जो आर्टिकल 21 का उल्लंघन करके ये लोग प्रशासन यहाँ के लोगों को डरा रहा है और गिरफ्तार कर रहा है। हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। यहाँ तक कि आदमी लोग हम लोग अकाउंट में हम लोग कुछ पोस्ट भी कर रहे हैं तो इसको रिस्ट्रिकेट कर दिया जा रहा है अकाउंट के। हम लोग आदमी को ऐवान भी नहीं कर सकते हैं, तो यही प्रशासन है कि हम लोगों को अकाउंट को निगरानी किया जा रहा है कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं क्या। अगर चोर चुहार जिसको पकड़ना है उसको पकड़िए ना। यहाँ स्थानीय सरकार क्या कर रहा है? यहाँ रोड गाड़ी रास्ता यही प्रशासन देखिए चेकिंग कर रहा है, रोड रास्ता को आम पब्लिक को परेशान कर रहा है, जिसको परेशान आम पब्लिक को परेशान कर रहा है, जो करना चाहिए है वो उनको नहीं कर रहा है। और यहाँ चोर चुहार खुलेआम घूम रहे हैं, हमको कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ एक छात्र अगर प्रोटेस्ट करने गए हैं संवैधानिक तरीके उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो आज हम लोग इसीलिए यही दिन देख रहे हैं कि हम छात्र चुनकर उनको सरकार में भेजे थे क्या? बोला